मसूदा रोड गणेश कॉलोनी स्थित एक मकान में अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, जिसके कारण विद्युत उपकरण जलकर राख हुए। घर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण घर के लोगों में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान घर के विद्युत स्विच बोर्ड, एलईडी सेट बॉक्स, कूलर और मिक्सी सहित कई अन्य विद्युत उपकरण, घर में रखा किराने का सामान और बिस्तर आदि भी जलकर राख हुए। घटना की सूचना के बाद दमकल कर्मी दमकल वाहन के साथ मौके पर भी पहुंचे। आग पर काबू पाया गया, लेकिन गनीमत रही कि आग विकराल रूप धारण करती उससे पहले ही दमकल कर्मियों ने आग पर काबू भी पाया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। आपको बता दें कि गणेश कॉलोनी में निवासी सुशीला देवी के मकान में विद्युत मीटर बोर्ड में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ, जिसके कारण घर की विद्युत वायरिंग ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते घर के सारे विद्युत उपकरण भी जल उठे। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने घर में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी। सूचना मिलने के बाद दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया। घर के अंदर रखे 5 LED, 2 फ्रिज, 2 कूलर, 5 सेटबॉक्स सहित कई अन्य विद्युत उपकरण, किराने का सामान और घर के बिस्तर भी जल गए। यह तो गनीमत रही कि दमकल ने समय पर आग पर काबू पा लिया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था।